मुकेश सहनी की नहीं है, बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए। गाना गाने से कोई हीरो नहीं होता है, किशोर कुमार नहीं होता है। नाव जब नदी पार करना है ना, तो ये मल्लाहे की जरूरत है, दूसरा कोई चीज से पार कर जाइएगा। तैरने आता है आपको? राम का जैसे पार हुआ था घाट पर, उसी तरह मुकेश सहनी का नेता कौन? मुकेश सहनी। क्रोध में आ गए थे तो क्या उसके लिए झुक गए थे? झुकना तो बीजेपी को पड़ेगा, आज झुके नवंबर के बाद झुके, झुकना बीजेपी को है। शहादत मुकेश सहनी कितनी बार देंगे? दिए ना माता के लिए शहादत, दिए ना कुर्सी का, मंत्री कुर्सी लात मारे कि नहीं मारे? मूर्ति लगाने से रोका था, कुर्सी झुक गए बीजेपी के आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पदचिन्ह छोड़ जाते हैं, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, उस माँ का धन है जो ऐसे बेटा को जन्म दिया। एनडीए का 38 दल का गठबंधन हुआ था, दल के नाम आप जानते हैं का? चुनाव चिन्ह बताइएगा का? कोई पार्टी के पिछड़ों की बारी है, गोल चक्का घूमता है, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, मुकेश सहनी का दिन आएगी है, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वीरांगना शहीद फूलन देवी की, आज शहादत दिवस के अवसर पर इस वक्त मौजूद है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। पहले तस्वीर दिखाएंगे, ये हॉल के अंदर की तस्वीर देखिए, कैसे हॉल जो है वो खचाखच लोगों से भर चुका, और बाहर में वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगाई गई है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शहादत दिवस है। आनंद मधुकर हमारे साथ हैं, सुना है बढ़िया बस सोने की कारीगरी से करके तैयार किया गया है और वो आ रहा है। वो तो फोटो में आप लोग को मीडिया को कुछ साथियों को मिल गया है, लेकिन अभी बस रखा हुआ है, इस कार्यक्रम के बाद आप लोग के लिए लोकार्पण किया जाएगा उसका। उस बस से कहाँ कहाँ घूमेंगे मुकेश? बस का बात कल करेंगे, आज फूलन देवी की बात करते हैं। जो शहादत दिवस है, लोग आए हुए हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या आप लोग की पार्टी का स्टैंड होने जा रहा है, क्योंकि कुछ तो है नहीं? देखिए, हम लोग चुनाव के लिए नहीं जिंदा है, जब मंत्री थे तब यही फूलन देवी जी का मूर्ति 80 को बन के गया था यूपी में, यूपी सरकार नहीं लगने दिया था इस मूर्ति, माता के शहादत के लिए हम लोगों ने कुर्सी को लात मार दिया, लेकिन माता के विचारधारा को नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा। तो लात मारने के लिए फिर कुछ भी लात मार सकते हैं? कुछ लात मार सकते हैं, वक्त पड़ेगा तो किसी को लात मार सकते हैं। बताएं, आजकल कुछ लोग बैकडोर में क्या चर्चा करते हैं, मुकेश सहनी का नाव छाप है, मुकेश सहनी की नहीं है, बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए। गाना गाने से कोई हीरो नहीं होता है, किशोर कुमार नहीं होता है। नाव जब नदी पार करना है ना, तो ये मल्लाहे की जरूरत है, दूसरा कोई चीज से पार कर जाइएगा। तैरने आता है आपको? आपको आता है, उससे ज्यादा से ज्यादा बिहार को तैरे नहीं आता है, समझ गए ना? तो पार करेला नाव चाहिए। मुकेश सहनी का स्टैंड क्या होगा, आप बताइए ना, आप उनके पार्टी के नेता हैं? हम अभी, हमारे नेता ने कह दिया है कि मीडिया में जो कुछ बंधु है अपना एजेंडा चला रहे हैं, कादू आप एनडीए की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की बैठक में आपको बुलाया नहीं गया, तो फिर आप तो एनडीए में है नहीं। हम किसी में जाना रहता है या नहीं जाना रहता है, यहाँ तो हो नहीं सकता है, बंद कमरे की बात है। तो हम लोग अपना एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वक्त आएगा तो उनसे हम लोग बात करेंगे। फूलन देवी की जब मूर्तियों को रोका गया था, आपने भी जिक्र किया, तो यूपी में खूब तांडव हुआ था, मुकेश सहनी भी खूब क्रोध में आ गए थे, तो बिहार में तो क्रोध में आ गए थे तो क्या उसके लिए झुक गए थे? झुकना तो बीजेपी को पड़ेगा, आज झुके या नवम्बर के बाद झुके, झुकना बीजेपी को है, गठबंधन जिसको आपको लेना होगा। किसी भी दल को जीतने के लिए सहनी जी का सहारा चाहिए, हम लोग आज संकल्प, आज विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला है। मुकेश सहनी नहीं हो सकता है क्या? ये आप सोचिए ना, वोट माइनस हो सकता है, वोट किसके पास है? एनडीए का 38 दल का गठबंधन हुआ था, दल के नाम आप जानते हैं का? चुनाव चिन्ह बताइएगा का? कोई पार्टी के 38 दल में? सुहा जी गए, मांझी जी गए, मांझी जी का चुनाव चिन्ह का है? बोलिए, आप बोलिए। कड़ाही छाप है तत्काल, तो कड़ाही छाप तत्काल है ना, उसके पहले को चीज था, साल भर में 2 बार बदल गया, तो इसीलिए जब चुनाव चिन्ह बदल रहा है तो दल का चिंता काहे करना है, वक्त आएगा हम लोग चिंता आपको मुक्त करेंगे, हम लोग अपने शहादत मुकेश सहनी कितनी बार देंगे? दिए ना माता के लिए शहादत, दिए ना कुर्सी का, मंत्री कुर्सी लात मारे कि नहीं मारे? मूर्ति लगाने से रोका था, कुर्सी झुक गए बीजेपी के आगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला है, बिहार के सबसे क्रांतिकारी पार्टी वीआईपी है, अब वोट कितना है, जितना आदमी अंदर आपने दिखाया ना, उससे दुगना अभी आइए रहा है। देखिए, बाहर में लोग भी हैं, और भी हम लोगों से बात करते हैं, पांडे जी हैं, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, क्योंकि अब इस लड़ाई में हो रहा है कि ना आप एनडीए की ओर है ना इंडिया की ओर है, तो किधर है आप? देखिए, हम आप इंडिया वाले हैं? हम इंडिया वाले नहीं हैं और एनडीए वाले नहीं, इंडिया वाले आप नहीं हैं, सुनिए, अरे इंडिया मतलब गठबंधन के नाम रखने से इंडिया हो जाएगा, हम लोग भारतवंशी हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी जिस तरफ जाएगी उसी तरफ आंधी
तेज होगा और उसी तरफ जीत की लहर जाएगी। लहरों में नौका कैसे पार होगी? लहरों में नौका चलाने वाले हमारे सब देख रहे हैं ना, लहरों को पार करने लोग हैं। बाबा हैं, कहाँ से हैं बाबा? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से नाव मुकेश सहनी का पार होगा? हाँ, राम का जैसे पार हुआ था घाट पर, उसी तरह मुकेश सहनी का नेता कौन? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बहुत सारे सहनी कहता है बिहार। अरे सहनी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पदचिन्ह छोड़ जाते हैं पूर्व चलने की बट वही बात की पहचान कर ले। उस माँ का धन है जो ऐसे बेटा को जन्म दिया इस बिहार की धरती पर जिसका नाम मुकेश सहनी। 75 साल से सर सहनी समाज का कोई नेता नहीं था, लेकिन 2018 से हम लोग सहनी समाज का एक ही नेता मानते हैं, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का जलवा। देखिए पूरे इंडिया में सब जीत का अति पिछड़ा का एक को दल है, पूरे इंडिया में अति पिछड़ा समाज सहनी करने से सहनी के नेता हो जाएंगे, आपके कहने से हो जाएंगे, आपके जनता कह रही है ना, सुन लीजिए। पूरे देश में अति पिछड़ा का एगो पार्टी बना 75 साल में, उसको भी आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं। हम क्यों बर्बाद करेंगे सरकार आपकी? नहीं, आपको बुलाया गया इंडिया में? बुलाया गया? बुलाया नहीं गया कि क्या? आप जानते हैं ना 2020 में भी आप ही कह रहे थे कि एक को सीट नहीं देगा, तो 11 को दिया ना, फिर आएगा जितना है ना बीजेपी या इंडिया या एनडीए को, तो नैया हम ही पार लगाएंगे। पूरा देश में राजनीति में अब अति पिछड़ों की बारी है, गोल चक्का घूमता है, अब अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, मुकेश सहनी का दिन आएगा, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख लीजिए मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अति पिछड़ों की जिंदाबाद किनारे लग रहा है पटना के स्टेडियम में। पटना के सुकेश मॉल हॉल में भीड़ काफी है और मुकेश सहनी क्या कहेंगे देर शाम को जब रथ आएगी, वो रथ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।